हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं ग्रुप सी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आसनसोल और हावड़ा में जिन जिन लोगों का ग्रुप सी का जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है ट्रेड टेस्ट के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, चाहे वो आपका वाटर कैरियर हो, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे बार्बर हो, चाहे गार्डनर हो, आपके सभी ट्रेड के लिए हम इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये टिप्स दोस्तों, ये हमारे एनालिसिस के साथ साथ कुछ प्रोफेसर्स हैं जो उनके एनालिसिस, और ये हमने एनालिसिस लिया है हमारे जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो दिल्ली और कपूरथला में जिन्होंने अपना ऑलरेडी ट्रेड टेस्ट दे चुका है, और वहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके अनुभव के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप सभी को उनसे कुछ सीखने को मिले कि कैसे आपको काम करना होता है ट्रेड टेस्ट सेंटर के लिए ट्रेड टेस्ट में। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या क्या जो है सावधानी बरतनी होती है, और किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपरली जो है चेक करना होता है, और क्या क्या लेकर जाना होता है, कैसे आप कोई नई जगह पर जाके स्टे करते हैं, चाहे आपका ट्रेड टेस्ट के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो कितने दिन पहले आपको जो है घर से निकलना होगा, तो हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो शायद यहाँ से हमसे छूट सके, बट अगर कुछ भी छूटता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट में जाके अपना जो भी हमसे छूट गया है, जो हमसे स्किप हो चुका है उसके बारे में बताइए, हम उसके बारे में भी आपको अपडेट दे देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको सरकारी नौकरी संबंधित जितने भी फॉर्म्स आते हैं, कैसे उसे भरना है, क्या क्या उसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप नहीं पढ़ते, उन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ, कोई भी ट्रेड टेस्ट के आप जाने वाले हैं, चाहे वो वाटर कैरियर हो, सफाई वाला हो, बार्बर हो, एक्सेट्रा, आपको कोई भी ट्रेड हो, बट उसके लिए आपको क्या है, डॉक्यूमेंट्स तो सभी के लिए कॉमन है। जी हाँ, तो हम सीरियल वाइज लेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट वो क्या क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको जो है आपका एडमिट कार्ड जो है प्रॉपर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर होने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपका पहला तो काम ये है कि आपके पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा आपका एडमिट कार्ड। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, जिसे आप हॉल टिकट कहते हैं, कॉल लेटर कीजिए, तो अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट, तो समझ लीजिए आपको तो पहली बार जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। यानी कि वहाँ पे सेंटर पे आप पहुँच भी जाते हैं तो भी आपको वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है आपका जो है हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका होता है आईडी कार्ड। जी हाँ, आईडी कार्ड यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आपको क्या क्या लगेगा उसका भी आप ध्यान दीजिए। या तो आपके पास आधार कार्ड हो, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो भी चलेगा, या फिर आपके पास वोटिंग कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका इलेक्शन कार्ड। इन तीन चीज़ों में से ही आपको एक चुनना होगा। और अगर आप सोचते हैं कि पैन कार्ड है आपके पास और उसके बेस पे आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, पैन कार्ड को वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता आईडी प्रूफ के लिए। तो आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आपका होना बहुत अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो नेक्स्ट चीज़ पे आप रेफरेंस दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस पे। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो आप जो है तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका वोटिंग कार्ड। यानी इन तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ तो हो गई, अब चौथी चीज़ जो है ये वो ये है कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप अगर एससी से या एसटी से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके पास इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट से यहाँ पे अर्थ है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो ही आपको लगेगा। लेकिन अगर आपके पास इस समय फ़िलहाल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र आपके राज्य से प्रमाणित हुआ है, आपके राज्य का है, तो भी चलेगा। क्योंकि आपको जो है 30 दिन से ज़्यादा का समय दिया जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, और अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते तो भी आपको ट्रेड टेस्ट के लिए अंदर परमिशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि हमें डॉक्यूमेंटेशन में ही बाहर का रास्ता दिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं।
कास्ट को लेकर कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि उसमें मोहर ना हो, सिक्का यानी कि गवर्नमेंट का ना हो, आप अपने हिसाब से कुछ प्रिंट आउट करके लेके चले गए, बिल्कुल नहीं। वो आपका जो है और गवर्नमेंट से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि नॉर्मली रफली पेपर पे लिखवा के उसे प्रिंट करवा के लेके आते हैं, तो ऐसा मत करना आप दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक होता है। वहाँ पे 3 स्टार कांस्टेबल होंगे, 3 स्टार रहते हैं, तो ऐसे जो है अधिकारी पद के लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, वो आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, तो आप उन्हें धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे आपको तो एक तो बाहर का रास्ता तो दिखेंगे, साथ ही आप पे बैन भी लग सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चालाकी मत कीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई, एक मिस हो गया था दोस्तों, मैं तीसरा टॉपिक तो आपको नहीं दिया, सीधा चौथे पर ले गया। तीसरा हमारा ये है कि आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट यानी एजुकेशन, जी हाँ आपका एजुकेशन का जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि आपने जो अपना मार्कशीट जो यूज़ किया था फॉर्म भरते समय 10वीं का या 12वीं का जो भी आपने इस्तेमाल किया है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, जी हाँ आपका जो जन्म तारीख है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपके हॉल टिकट पे होना चाहिए यानी आपके एडमिट कार्ड में। अगर वो दोनों मैच नहीं होता तो भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी कि आपको भगा दिया जाएगा, इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं, तो आपको ट्रेड टेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को फोकस करना है, ध्यान रखना है। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, 2 जेरोक्स लेना है। जी हाँ दोस्तों, जेरोक्स करा लीजिए इसका 2 बंच। मैं 2 बंच इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमेशा 2 बंच आपके पास होना चाहिए। 1 बंच आपको वहाँ पर दे देंगे, आपका सबमिट हो जाएगा, तो 1 बंच आपके पास रहेगा। तो इन केस कभी कभी हमारा 1 ही बंच अगर हम लेते हैं और कहीं और देना हो जाए पेपर्स, तो हमारे पास दिक्कत हो जाती है। हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे जेरोक्स करना वगैरह काफ़ी दिक्कत होती है। अगर बच भी जाता है दोस्तों तो कोई इशू नहीं, एक जेरोक्स से आपको कुछ नहीं जाने वाला, बल्कि इंसर्ट वो आपको कहीं ना कहीं काम आने ही वाला है। तो ये चीज़ें हो गई। और आपके फ़ोटो, जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट टाइप 2 फ़ोटो तो ज़रूर ले लीजिएगा, 2 से बिल्कुल भी कम नहीं। 2 फ़ोटो आप मिनिमम लेकर ही रखिएगा अपने पास, क्योंकि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए 2 फ़ोटो लगेंगे पासपोर्ट टाइप के। और देखिए दोस्तों, पासपोर्ट टाइप जो आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके पास पुराने फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि 1 साल 1.5 साल पहले के पुराने के फ़ोटोज़ हैं और आपकी पर्सनालिटी में डेवलप हुआ है या चेंजेस हुआ है। तो आप जो है उसको क्या कीजिए कि अभी रिसेंट में अगर आपका चेहरा काफ़ी बदलाव हो जाता है, जैसे कि आप वियर्ड लुक में हैं, काफ़ी लोग वियर्ड लुक में आ जाते हैं, किसी का चेहरा खोए ग्लो करता है, किसी का थोड़ा डार्क हो जाता है, वगैरह वगैरह काफ़ी चेंजेस होते हैं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल का समय इनफ होता है हमारी पर्सनालिटी डेवलप होने में। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जो क्या कीजिए, अपना जो है रीसेंट का एक पासपोर्ट टाइप फ़ोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि वो लोग वगैरह आपका जो है फ़ोटो आपके आइडेंटिटी कार्ड में मैच करते हैं और लाइव देखते हैं पासपोर्ट टाइप फ़ोटो आपका कैसा है और आप रियल में कैसे हैं, तो ये दिक्कत ना हो आपके सामने। इसलिए रीसेंट के ही पासपोर्ट टाइप फ़ोटो खिंचवाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये चीज़ें हो गई आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब हम बात करेंगे सीरियल वाइज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वाइज यानी कि आपके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है आपके साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चलिए वाटर कैरियर, क्योंकि वाटर कैरियर में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो वाटर कैरियर में आपसे क्या होगा, यहाँ पर आपको बनाया जाता है खाना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खाना बनाने में आप कितना माहिर है वही चेक होगा आपका इस ट्रेड में। यहाँ पे कोई और काम नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, खाना कैसे बनाना है वही आपको यहाँ पे बताया जाएगा, यानी कि आप जो है कितना निपुण हैं वही चीज़ वो आपको कम समय में देकर आप सिर्फ जानना चाहेंगे कि आप कितना चीज़ में बेहतर हैं। यानी कि इन शॉर्ट में अगर आपसे मैं कहूँ तो सबसे पहला टॉपिक ले लीजिए आटा का। जी हाँ दोस्तों, रोटी बनाने से संबंधित, यानी कि पहले आपको आटा सानने आना चाहिए। आपको 100 ग्राम आटा दे दिया जाएगा, 100 ग्राम्स, एक कटोरी दे दी जाएगी, पानी दे दिया जाएगा, अब और आपको समय भी दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ का एक समय होता है, यानी कि 60 सेकेंड, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपको 100 ग्राम आटा जो है वो आपको गूंदना है, रोटी बनाने योग्य करना है। एग्ज़ामिनर आपका जो होगा, यानी कि जो कांस्टेबल होगा जो आपको एग्ज़ामिन करने वाला है, यानी कि ट्रेड टेस्ट के दौरान, वो आकर आपका देखेगा आटा, चेक करेगा, उसे अपने हाथों से चेक करेगा कि ये वाकई रोटी बनाने योग्य है या नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि बस आटे में पानी मिक्स करके गीला करके रख दिया और वो तैयार हो गया। आपको 1 मिनट में जो है प्रैक्टिस करना है, 100 ग्राम आटा लेके कितनी फास्ट फास्ट आप उसको गूंद सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना आपके लिए बेहतर है। मैं हर बार अपने वीडियो में ये जरूर कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि आपकी जो मेहनत है, आप जितना ज़्यादा मेहनत फोकस करेंगे उतना ही आपको जो है इसका फल मिलेगा इस ट्रेड टेस्ट में।
तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप 100 ग्राम आटा लीजिए, एवरी डे प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ मैं 100 ग्राम आटे को एक मिनट के अंदर जो है रोटी बनाने योग्य बना सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई आपकी। दूसरी चीज़ आपकी इसमें आ जाती है रोटी। जी हाँ दोस्तों, रोटी बनाना भी आपको आना चाहिए। आपको रोटी बनाने के लिए कहा जाएगा, रोटी आपकी गोल होनी चाहिए, रोटी आपकी कहीं से भी फूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कच्ची नहीं होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रोटी आपकी मोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो एक फ्लैटेड मोड में होना चाहिए, यानी पतले मोड में होना चाहिए, जैसी नॉर्मल रोटियां होती हैं उसी प्रकार। आप कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि मोटे मोटे चक्के लेके और उसको मोटी रोटी बना दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत करिए। आपकी रोटी को फूलना भी चाहिए, रोटी मीडियम होगी तभी फूलेगी और चारों तरफ से अच्छे से पकी होनी चाहिए, और साथ में रोटी फूलने के बाद जैसे वो फूट जाता है वैसा नहीं होना चाहिए, रोटी आपकी फूट ना जाए, यानी कि फट ना जाए, टूट ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो जाके आपका जो है रोटी वाले सेक्शन में आप पास होते हैं। और दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होने लगता है, जैसे कि आप वाटर करियर में अगर आपको ये रोटी आपने आटा बना लिया फिर रोटी भी बना लिया, तभी जाके आपको तीसरा काम दिया जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली पास होते हैं एक एक स्टेप उन्हें ही 2 से 3 काम दिया जाएगा। अगर आप पहले ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे 40 मार्क्स की जो है वादा किया गया था कि आपको 40 मार्क्स का टेस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए RPF वालों को कि उन्हें 2-3 मौके देने चाहिए स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रुप सी में अगर ऐसा होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में इस बार चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। साथ ही हम RPF से कॉन्टैक्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली और कपूरथला में जो गलतियाँ किया उन्होंने वो गलतियाँ यहाँ पर आसनसोल हावड़ा में नहीं होना चाहिए। तो ग्रुप सी में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ एक राउंड से ही बाहर भगा दिया जाता है, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा जाता है, तो आप इस वीडियो के नीचे या आप हमारे स्मार्ट होमी चैनल पे कहीं पर भी जाके अपना वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी हमारे चैनल के नीचे है कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम उन सभी चीज़ों को जो है RPF को मेल करने वाले हैं कि उन्हें ऐसा गलत काम क्यों हो रहा है। 40 मार्क्स का जब ट्रेड है तो आपको सभी मौके दिए जाने चाहिए। तो ये बात हम अलग सेक्शन में बात कर लेंगे दोस्तों इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पे हमने क्या बात किया कि आपको जो है अगर आप पहला राउंड पास होते हैं, जैसे आटा सानने में पास हो गए, फिर दूसरा रोटी बनाने पास हो गए, तो जाके आपको तीसरा सब्जी बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर आप पहले ही राउंड से भगा दिए जाते हैं, जैसे कि कपूरथला दिल्ली में हुआ, तो आपको सिर्फ पहले राउंड से भगा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पास होते हैं तो आपको सब्जी बनाने के लिए जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात ये भी कह देना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है, जी हाँ दोस्तों 100% ये आपको जो है चेंजेस आपको होंगे। आप ये मत सोचिए कि जो चीज़ें आपसे जो है कपूरथला दिल्ली में हुई वही चीज़ें आपको यहाँ पर ही पूछी जाएंगी, जी नहीं, बिल्कुल भी चेंजेस हो सकता है। जैसे कि आपको ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आटा सानने के लिए जाएगा, हो सकता है आपसे सीधा रोटी बनाने के लिए कहा जाए, और रोटी बनाने के लिए आपसे ना कहा जाए तो आपको सीधा सब्जी बनाने के लिए कहा जाए कि आप सब्जी कैसे बनाते हैं, चलिए कोई सब्जी बना के बताइए। जैसे कि उनके पास ऑलरेडी सामान होंगे, यानी कि बैंगन होगा तो बैंगन की सब्ज़ी, भिंडी बनाना होगा उनको तो भिंडी की सब्ज़ी, लौकी बनाना होगा तो लौकी की सब्ज़ी। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सब्ज़ियाँ हैं, पालक, मेथी, चौराई, व्हाटएवर जो भी उनके पास होगा, जो भी वो उस दिन के लिए जो है लेकर आए होंगे सामान, मटेरियल बच्चों से बनवाने के लिए, वो आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गई अंदर। अब बात करते हैं थोड़ा नॉनवेज फूड में आ जाते हैं। नॉनवेज फूड में जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हम वेजिटेरियन हैं, हमारे घर पे वेज फूड्स बनते हैं और हम ऑलरेडी वेज हैं, तो हमें क्या है नॉनवेज बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी आपको जो है यहाँ पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था RPF का, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो चीज़ वो बनाने के कहेंगे वो आपको बनाना होगा। आपको जो है चॉइस बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आप ये बिल्कुल भी भूल जाइएगा कि आप वेज हैं तो नॉनवेज नहीं बनाएंगे, तो ये सब नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा। और नॉनवेज में मैं आपको बता दूँ क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है ऑमलेट। ऑमलेट आपको ऑमलेट बनाने के लिए क्या क्या रेसिपी है आप उसे इंटरनेट से पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ हम आपको ऑलरेडी जो है आगे के वीडियोज़ में प्रोवाइड कराने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जो स्टूडेंट्स पास होंगे उनके जो है एक्सपीरियंस को लेकर ग्रुप सी के लिए। तो ऑमलेट बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है पहले वो जान लीजिए, जैसे कि प्याज, नमक, थोड़ा सा हल्दी मसाला, और आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं जैसे प्याज भी डाल सकते हैं, और जो भी आपको ऐसा लगता हो कि ऑमलेट में टेस्टी बनाने के लिए होता है, तो जो चीज़ें आपको नीडेड हैं उन चीज़ों से आप फेंटिए, अच्छे से उसे पकाइए। ऑमलेट में एक चीज़ फोकस ये है कि ऑमलेट आपका गोल होना चाहिए, हाफ़ फ्राई बिल्कुल मत बनाइएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसा किए थे कपूरथला में कि वन साइड बनाने के बाद उन्होंने भट्टी बंद कर दिया, यानी कि गैस बंद कर दिया, और उसके बाद एग्जामिनर ने कहा कि आपको ऑमलेट कहा गया था, आपने हाफ़ फ्राई बना दिया, यानी कि एक साइड आप पकाते हैं दूसरी साइड पकाते नहीं, तावा सीधा पलटने के बाद बंद कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा।
ऑमलेट में एक चीज़ फोकस करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात कि ऑमलेट जब बनाते हैं तो तवे को तेल से थोड़ा नरम कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप जो है डायरेक्ट डाल दिए, क्योंकि आपको पता है कि अंडा चिपकता है तो वो टूट जाता है। तो यहाँ पर आपको अंडा गोल भी होना चाहिए और अंडा ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, यानी टूटना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी इन सब चीज़ों को लेकर कि आपका अंडा प्रॉपर बने, अच्छी तरीके से बने, कच्चा ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडा बहुत जल्दी पकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, उसे अच्छी तरह से फूलने दीजिए। जब अंडा पकता है तो फूलता है, बबल्स जैसे बनते हैं अंडे में, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक हाफ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि आप जब ट्रेन वाटर कैरियर में जाएंगे तो आपको जो है मसालों के नाम पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओरल टेस्ट में मसालों के नाम पूछे जाएंगे। ये आपको ये सब स्टार्ट होने से पहले, यानी ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही राउंड में आपसे पूछ लिया जाएगा, जब आपको रोल लगा के बैठाया जाता है तब। तो आपको मसालों के नाम पढ़ने हैं, आप वीडियो में जा सकते हैं हमारे चैनल पे, वहाँ पे हमने जो है 80 प्रकार के मसाले पाए जाते हैं भारत में, और उन सभी 80 प्रकारों का नाम जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, बताया है वीडियो में, तो आप जाके वहाँ से सर्च करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी मसालों के नाम आपको याद करना है, सभी सब्जियों के नाम याद करना है, सब्जियों का भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं सब्जी मसालों में आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ के या रट कर जाना है ताकि वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं सफाई वाले में। जी हाँ दोस्तों, सफाई वाले में आपको क्या किया जाता है, सफाई वाले में आपको क्या क्या तैयारी करनी है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा एक हॉल में, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे तो आपको बैच में डिवाइड कर दिया जाएगा, 20 की, 14 की, 15 की, जैसे स्टूडेंट्स की संख्या होगी उसी हिसाब से बैच बनेगा। तो आपका ये हो गया तो पहली बैच को बुला लिया जाता है कि चलिए, वो एक आपको कमरा दे देंगे, आपको वहाँ पर झाड़ू मारने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहली बात तो ये आपको एक स्टूडेंट को करने का चाहिए कि आप झाड़ू मार के दिखाइए। तो आप इन चीज़ों का फोकस कीजिए, कमरे में कहीं पंखा है तो चल रहा है या बंद है। इस चीज़ों का अगर आप सोचते हैं कि पंखा चल रहा है और मैं नीचे झाड़ू मारता रहूँ तो बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि कपूरथला और दिल्ली में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं स्टूडेंट्स के साथ। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स जो है उस समय नहीं काम करता हमारा, क्योंकि नर्वस रहते हैं ऑब्वियसली, इतने बड़े लेवल पे हम हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे हैं, एकदम नज़दीक वाले राउंड पे हैं कि बस ट्रेड टेस्ट पास हुए और हमारी जॉब पक्की। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, पंखा बंद करना भूल जाते हैं। तो आपको पंखा पे ध्यान देना है कि कुछ कहीं से हवा आ रही है, उस चीज़ पे आप रोक लगाइए कि सर यहाँ से हवा आ रही है। तो कचरा आप जब साफ़ करते हैं तो झाड़ू को जब लगाते हैं तो उसको आगे की तरह एक बार झटकिए, यानी पटकिए, ताकि जितना गंदगी आपके झाड़ू में लगी है आप उस समय आगे हो जाए, उसके बाद आप फिर से पीछे से झाड़ू मारिए। मतलब आपको जो है सावधानी के साथ साथ सतर्कता रखनी है, चालाकी भी रखनी है, कैसे आपको सफाई रखनी है। तो ये हो गया सफाई का। दूसरा सफाई के टॉपिक में हम आते हैं, यहाँ पे आपको फिनोल के बारे में पता होना चाहिए, वॉशरूम कैसे साफ़ किया जाता है उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको साफ़ कराया नहीं जाएगा दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आपको टॉयलेट क्लीन किया जाएगा या वॉशरूम साफ़ किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें जो यूज़ होती हैं चीज़ें, जैसे कि आपको पता हार्पिक पता होगा आपको टॉयलेट क्लीनर है, तो हार्पिक कैसा दिखता है वो देख लीजिए। आप फिनॉल तो देखे होंगे, पानी में आपको डाल के एक बूंद डाल दिया जाएगा, एक सगे डिटॉल रखा होगा, और इस प्रकार आपको तीन चार चीज़ें रखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद, आपको सब दिखेंगे तो आपको ये पहचानना होगा कि हाँ ये फिनॉल है, ये दूध है सफ़ेद कलर का, ये डिटॉल है इसे पानी में डाला गया इसलिए ये वाइट है, बाल्टी में आपको रखा रहेगा। तो ये सब चीज़ों का आपको पहचान होना चाहिए कि आप जो है टॉयलेट में क्या यूज़ करते हैं, कैसा क्लीनर यूज़ करते हैं, आपको यानी इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। पानी को साफ़ रखने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं वगैरह वगैरह, जो चीज़ आपको सफाई से रिलेटेड आती है वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी सफाई वाला टेस्ट में। अब आ जाते हैं बार्बर टेस्ट के लिए। तो बार्बर टेस्ट में क्या है दोस्तों, आपको पता है नाई का काम है, जी हाँ दोस्तों, बाल काटना। तो बाल काटने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, टूल्स। जी हाँ दोस्तों, टूल्स में क्या लेके जाना है आपको, आपका कैंची, उस्तरा, ब्लेड, कंघी यानी फोम। तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा बार्बर के जितने भी स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, आप अगर आपको नहीं ज़्यादा नॉलेज है, अगर आपने फॉर्म भरा है सिर्फ ऐसे ही, तो आप जाके सलून में जाइए, सलून में जाके दो दिन आप बैठिए, वहाँ पे देखिए कैसे वो अपने जो है बालों को काटते हैं। आप खुद के बाल तो आप ऑलरेडी कटवाते होंगे तो आपको बार्बर का काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी सभी इंसान को होता है कि सलून में तो हर इंसान जो है
हर 15-20 दिन में एक बार जाता ही है, चाहे वो शेविंग कराने के लिए जाता हो, चाहे हेयर कट के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन से फॉर्म लगाए जाते हैं, कैसे शेविंग की जाती है, ये सब सारी चीज़ें जो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे यानी कि जो सामान लगेगा, सबसे पहले तो आपको ये सब सामान जो है अच्छी क्वालिटी में और अच्छी प्रैक्टिस, यानी जो सामान आप ऑलरेडी ख़रीदेंगे उसी को ही आपको लेके जाना है टेस्ट में, ताकि आपका जो है हाथ बैठा था, जिसे हम कहते हैं ना अपना हाथ बैठ जाता है किसी सामान पर, उसी प्रकार ऐसा मत सोचेगा कि आपने प्रैक्टिस के लिए कुछ नॉर्मल ख़रीदा और एग्ज़ाम देने के लिए आपने हाई फाई चीज़ें खरीद ली, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सामान में डिफरेंस होता है। तो आप जो भी खरीदिए, तो मैं तो कहता हूँ आप एक ही बार में अच्छा खरीदिए, जो भी आप ख़रीदना चाहते हो, चाहे कैंची अच्छी क्वालिटी का, चाहे आपका उस्तरा अच्छी क्वालिटी का, जो भी आप लेते हैं उसी से ही आपको प्रैक्टिस करना है। बार बार का जॉब दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो इसकी जो है आपको प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा डिपेंड करेगा, कितनी सफाई से आप जो कट देते हैं, क्या क्या आपको हेयर कट में क्या क्या डिज़ाइंस होती हैं, किस प्रकार से आप सेविंग्स में जो है लुक दे सकते हैं चेहरे को, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको बार बार टेस्ट में पूछी जाने वाली हैं। तो और सभी के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको पते होने चाहिए कि आपको क्या क्या कहा जाता है, कंघी को क्या कहा जाता है, कैंची को क्या कहा जाता है, सब आपको बार बार के ट्रेड में कहना है, यानी कि उनके लैंग्वेज में जो भी कहा जाता है उस तरह कहते हैं, क्योंकि हम लोग आसान हमारी भाषा में कैसे हम कह देते हैं ये कंघी है, तो कंघी में भी तीन क्वालिटी होती है, आप देखे होंगे कर्ली हेयर के लिए अलग होते हैं, प्लेन के लिए अलग होते हैं, जो है ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पार्लर में जो है मोस्टली यूज़ की जाती हैं, बार्बर वालों को काफ़ी नॉलेज होता है उनको, तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि अपने मैं आपको अगर स्टेप वाइज बताऊं तो सबसे पहले आपको अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लेना है, पहला काम। दूसरा काम, सभी का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा, आप कितना अच्छा लुक दे सकते हैं, यानी कि सभी को बाल काटने जो जो स्टूडेंट से भरा, जिन्होंने अपना ट्रेड टेस्ट बार्बर का भरा होगा ऑलरेडी, उनको काफ़ी नॉलेज होता है, बट स्पेशल नॉलेज क्या है, ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का करें, इसलिए ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बट अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो ट्रेड हैं उनके बारे में भी जो है जानकारी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुँच सके और उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।